हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक एंटीबायोटिक सिरप लेकर आया हूं जिसका नाम है क्लावम फोर ड्राई सिरप। जिसकी हम संपूर्ण जानकारी हिंदी में देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल डाला गया है, इसको किन किन परिस्थितियों में लेना चाहिए और इसको लेने से हमको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और इसका क्या बेनिफिट है और मार्केट में क्या प्राइस है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्लावम फोर ड्राई सिरप, सबसे पहले बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की। बात करें तो इसको अल्केम द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया और ब्रांडेड कंपनी है। अब बात करते हैं इस सिरप के अंदर मॉलिक्यूल के बारे में, कंटेंट के बारे में देखें तो इसके अंदर मुख्यतः दो कंटेंट डाला गया है। पहला डाला गया है एमोक्सिसिलिन और दूसरा डाला गया है पोटेशियम क्लोलेनेट एसिड डाला गया है। और इसकी उपस्थिति देखें तो इसके अंदर एमोक्सिसिलिन जो कि इसके अंदर 400 mg डाला गया है और पोटेशियम क्लोनोलेट एसिड जो कि इसके अंदर डाला गया है 57 mg, यानी टोटल इसका पावर देखें तो 457 mg में ही है। अब बात करते हैं इस सिरप का कार्य के बारे में देखें तो इसका मुख्य कार्य देखें तो जैसे कि ये एक एंटीबायोटिक सिरप है जो कि कान है, नाक है, गले है, साथी है, फेफड़ा है, दांत है, त्वचा है और मूत्र मार्ग के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण इलाज के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इस सिरप का उपयोग देखें तो जैसे कि यदि आपको कहीं पर भी जख्म हुआ हो तो उसको सूखने के लिए किया जाता है, यदि आपको कहीं पर भी सूजन है तो उसमें भी किया जाता है और सर्दी बुखार में भी ये काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं इस सिरप को डोज के बारे में, यानी कि इसको कब लेना चाहिए। इसका डोज देखें तो इसका डोज मुख्यतः 2 से 3 टाइम बनता है और जब भी आप इसका डोज लेते हैं तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसका डोज लें। और जब भी आप इस सिरप को लेते हैं तो खाने के बाद ही लें ताकि क्या है कि इसका आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले और पेट से प्रॉब्लम कुछ ना हो। अब बात करते हैं कि इस सिरप को लेने से हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस सिरप को लेने से पहले हमको इस सिरप को धूप में ना रखें। यदि आप इस सिरप को इसके अंदर एक डिस्टिल वाटर आता है, इसको बना करके अच्छे से हिला करके देना चाहिए और इस सिरप को धूप में ना रखें। और इसको खोलने के बाद ये 7 दिन तक चलता है, उसके ज़्यादा दिन के बाद उपयोग ना करें। बात करते हैं कि इस सिरप का मार्केट में क्या प्राइस है। प्राइस की बात करें तो इस सिरप का मार्केट में प्राइस है 148 रुपीज़, जो हमें हर एक मेडिकल स्टोर पर ही आसानी से मिल सकता है। बात करते हैं कि क्लावम फोर सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि इसका क्या क्या साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका मुख्य इतना कोई साइड इफेक्ट नहीं और नॉर्मल सा साइड इफेक्ट देखें तो जैसे कि गैस बनना, एसिडिटी होना, जुलाब होना, उल्टी होना, इसका नॉर्मल सा सामान्य साइड इफेक्ट है। और इससे ज़्यादा अगर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और अपने डॉक्टर के बताए गए डोज के अनुसार ही लें। चलो दोस्तों, क्लावम फोर सिरप के बारे में इतना ही काफ़ी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक मिलती रहे।